तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप रिपेयर या डीलर हैं तो अपना नंबर ज़रूर सेंड करें। थैंक यू दोस्तों। हमारा जो वर्किंग टाइम है वो सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक है। उस वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो जानकारी लेना चाहते ले सकते हैं, लेकिन 7 बजे के बाद कृपया फ़ोन ना करें, सुबह आप फ़ोन करें। थैंक यू दोस्तों। हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज यूनिक कंप्लेंट आई है वो ये है कि पानी की TDS जो है 80 के करीब या 70 के करीब आ रही है, लेकिन पानी का टेस्ट नहीं है। ये कस्टमर की कंप्लेंट है कि उनके जो पानी की TDS है वो 70 है और लेकिन पानी का टेस्ट नहीं है। दोस्तों जहाँ तक प्योरिटी लेवल का कंसर्न है, वो TDS के बारे में हमने कहा हुआ कि 70 PPM से लेकर 150 PPM तक पानी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, पीने के योग्य है। लेकिन अब टेस्ट की बात करें तो टेस्ट का जो लेशंस है दोस्तों, जो फाइनल में प्योर पानी हमें निकलता है, वहाँ हम पोस्ट कार्बन यूज़ करते हैं या फिर एल्कलाइन यूज़ करते हैं। तो अगर आपने एल्कलाइन लगाया हुआ है तो अगर उसको 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो उसको चेंज कर दें। दोस्तों अगर लास्ट में मेम्ब्रेन की आउटपुट पे हमने UV के बाद एल्कलाइन फ़िल्टर लगाया हुआ है, और अगर तो 10 इंच साइज़ का है, लक्स प्योर का है, अगर उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसको चेंज कर दें। उसकी वजह से भी पानी का टेस्ट जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है, जो बेहतर नहीं लगता है, क्योंकि कार्बन की लाइफ, जो कार्बन ग्रेनुअल्स डाले होते हैं उसकी लाइफ तकरीबन 1 साल के करीब होती है। तो अगर आपने 6000 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ कर लिया है तो पोस्ट कार्बन या एल्कलाइन फ़िल्टर चेंज कर दें। अब दोस्तों सेकंड बात, जो भी हम पोस्ट कार्बन फ़िल्टर या एल्कलाइन लगाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर होनी चाहिए। दोस्तों जो पोस्ट कार्बन के अंदर कार्बन ग्रेनुअल्स है वो कोकोनट शेल के होने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, स्पेशल मैं पढ़कर आपको दिखा रहा हूँ, कोकोनट शेल। प्योरीफिकेशन के साथ साथ टेस्ट को भी बेहतर बनाता है। इसी प्रकार सेकंड एक और बता देता हूँ, हाई क्वालिटी कोकोनट शेल चारकोल। मतलब कहने का भाव यह है कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी का पोस्ट कार्बन या फिर एल्कलाइन लगाया हुआ है, फिर पानी का आपका टेस्ट जो है मेंटेन रहता है, और अगर 1 साल उसको हो चुका है पोस्ट कार्बन को, फिर आप उसको चेंज कर दें तो आपका फिल्टर का पानी मीठा हो जाएगा और आपको पीने में आसानी रहेगी। इस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है, प्लीज़ चेंज द फिल्टर आफ्टर 6000 लीटर और 12 मंथ ऑफ यूजर्स। सो 1 साल के अंदर अंदर फिल्टर चेंज करने हैं, फिर आपके RO का पानी बेहतरीन हो जाएगा और मीठा हो जाएगा। शुक्रिया।